आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव को देखते हुए अब राजनीतिक दलों को जनता की याद भी आने लगी है और इसी बीच अल्मोड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी को जिताने के लिए युवा मोर्चा एक सेना की तरह खड़ी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए वन बूथ 20 यूथ कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 10,854 बूथों पर युवाओं की फौज खड़ी रहेगी। साथ ही सीधे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क किया जाएगा, जिससे कि देश की किसी भी योजना की जानकारी सीधे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मई में प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी अल्मोड़ा में आयोजित की जाएगी। अब देखना यह है कि वन बूथ 20 यूथ का बीजेपी का मिशन निकाय चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश पूरे प्रदेश के अंदर में विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो विषय है पूरे प्रदेश के अंदर में एक संकल्प के रूप में हम जिसको ले रहे हैं वो है वन बूथ 20 यूथ, यानी कि प्रदेश के 10,854 बूथों पर हम हर बूथ पर 20 युवाओं की एक ऐसी फौज खड़ी करेंगे। उनको हम एक्सेल सीट पर अपने प्रदेश नेतृत्व अजय भट्ट जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अमित शाह जी को दे करके केंद्रीय कार्यालय से उनको अटैच करेंगे, ताकि देश और राज्य की कोई भी सीधी योजना हो सीधे हमारे बूथ तक के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। संवाद 365 के लिए अल्मोड़ा से अमित उप्रेती की रिपोर्ट।